RPTV न्यूज की खबर पाने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ बालाजी रेजिडेंस कॉलोनी नदर के खिलाफ मनोज पिता बाबूलाल कुशवाहा निवासी देवी सिंह मार्ग ने पुलिस अधीक्षक बड़वानी तथा थाना प्रभारी बड़वानी को लिखित आवेदन प्रस्तुत करते हुए गोपाल पिता सीताराम पाटीदार जटाशंकर चौक निवासी अंजड़ हेमंत पाटीदार निवासी अंजड़ तथा गजानन पाटीदार निवासी साईनाथ कॉलोनी बड़वानी की शिकायत की है कि उक्त व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उक्त व्यक्तियों ने बड़वानी नगर में स्थित भूमि सर्वे नंबर 363/2/364 कुल रकबा 535 एकड़ जो कि रिपोर्टकर्ता की माता श्री मनोरमा उर्फ मनुबाई बेवा बाबूलाल निवासी बड़वानी के नाम से राजस्व पत्र में वर्ष 2009-10 में दर्ज चली आ रही है कि असत्य फर्जी दस्तावेज दिखाकर एक जाली विक्रय सौदा इकरारनामा के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी बड़वानी से डायवर्सन करवाकर संगतमत होकर कॉलोनी विकसित कर भूखंड विक्रय कर दिए गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 2001 में जिसके आधार पर डायवर्सन करवाया वो फर्जी है। 2012 में रिपोर्टकर्ता की मां पर अनुचित दबाव बनाकर उक्त कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवा दी गई है। उक्त विवादित मामला न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय अपर कलेक्टर बड़वानी ने भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य न करने हाल ही में स्थगन आदेश जारी किया है। बावजूद उक्त व्यक्तियों के द्वारा बालाजी रेसिडेंट के नाम से निर्मित कॉलोनी में निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध डॉक्टर नीलेश रावका से बात करना समझी पर रावका जी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया, जिससे ये प्रतीत होता है कि रावका जी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। वहीं हमने गजानन पाटीदार जी से इस संबंध में चर्चा की तो गजानन पाटीदार जी ने बताया है कि मेरे पे लगे हुए सभी आरोप निराधार है, पर कैमरे के सामने कुछ बताने से इनकार कर दिया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि जरूर कुछ न कुछ तो अनियमितता हुई होगी। आपका मनोज कुशवाहा जज कलेक्ट्रेट के आए हो, क्या शिकायत है बालाजी कॉलोनी? ये हमारे पक्ष में आदेश हुआ है बालाजी कॉलोनी का निर्माण कार्य रुकवाने का, जो अंदर की साइट है हमारी 5 एकड़ 3 डिसमिल उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, उसको रुकवाने के लिए आदेश जारी हुआ। क्या आपने क्या किया था, निर्माण कार्य कैसे चालू कर दिया इन्होंने? इन्होंने एक एग्रीमेंट बनवाया था 4/4/2001 का 10,51,000 का, जो हमने हमारी माँ ने कभी सौदा इनसे किया ही नहीं 10,51,000। ये तो क्या धोखाधड़ी करके 420 में बनवाया? और वो जो एक इन्होंने एग्रीमेंट बनाया 50 रुपये के स्टाम्प पे, वो उस पर फर्जी साइन, हमारी माता जी ने कभी इनको बेची नहीं, उनके झूठे साइन करके इन्होंने उनके द्वारा साइन करके इन्होंने उसका डाइवर्सन भी करवा लिया, वो डाइवर्सन की फाइल भी दबवा दी थी। क्योंकि हम 2012 से लगातार प्रयास करते करते आ रहे हैं, तो बीच में भी एक बार रिश्ते वगैरह हुआ था तो इन्होंने पैसे वगैरह खिला करके उसको खारिज करवा दिया था। तो अभी मैडम ने 18/6 को फिर से आदेश जारी किया है हमारे पास। तो क्या इसमें दोषी पाए गए? दोषी तो है इसमें। आपने 420 की FIR दर्ज करवाई इनके खिलाफ? हाँ, बालाजी कॉलोनी के लिए एक विवाद चल रहा है, काम भी वहाँ स्टार्ट हो गया है जबकि स्टे दिया गया है, क्या मामला है? जी हाँ, ये मनोज पिता बाबूलाल कुशवाहा द्वारा एक अपील प्रस्तुत की गई है, जिसमें गोपाल पिता सीताराम पाटीदार, हेमंत पिता गोपाल पाटीदार, इन लोगों के द्वारा कॉलोनी का कार्य किया जा रहा है। तो उसमें जो है न्याय हित में हमने स्टे दिया है, दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात ही इसमें बताया जा सकता है कि क्या स्थिति है। सर, मनोज कुशवाहा जी ने कुछ शिकायत की है? ये थाने पर एक शिकायत प्राप्त हुई मनोज कुशवाहा जी ने, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हेमंत पाटीदार, गजानन पाटीदार और उनके एक और गोपाल पाटीदार के संबंधी है, इन्होंने कोई ज़मीन संबंधी उसमें शिकायत की कि गलत तरीके से दस्तावेज रच के जो है ज़मीन अपने नाम करवा ली, तो शिकायत अभी जाँच में ली गई है और जाँच उपरांत इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उक्त तो पूरे मामले को लेकर श्री गजानन पाटीदार ने बताया कि मेरे पे लगे सभी आरोप निराधार बेबुनियाद है।